हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, आप सभी लोग बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 49568 भर्ती के रिजल्ट के इंतजार कर रहे थे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आज फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लखनऊ मंगलवार 12 नवंबर 2019 के आज के न्यूज़पेपर में फ्रेंड क्या दिया गया है कि आपका संभावित रिजल्ट कब आने वाला है। तो सारा चीज़ वीडियो फ्रेंड बताने वाला हूँ। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े नहीं है, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पल पल आपको अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, आज की न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या क्या दिया है। सभी लोगों को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सभी लोग गौर से सुनना है। यहाँ फ्रेंड साफ साफ लिखा कि सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम इसी हफ्ते, मतलब कि फ्रेंड इसी हफ्ते का मतलब है आज 12 तारीख है, 12 मतलब तो इसमें लगभग 15 या 17 तारीख का आपका रिजल्ट इसी हफ्ते आने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि लखनऊ सिपाही भर्ती 2018 के तहत पिछले वर्ष अक्टूबर में सिपाही भर्ती के 49568 पदों पर निकाली भर्ती के पर का लिखित परिणाम अगले 2 से 3 दिन में जारी हो जाएगा, मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, डीजीपी मुख्यालय जारी प्रेस विज्ञापित में कहा गया है कि उक्त पदों के परिणाम की वेबसाइट पर अगले 2 से 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे साफ साफ लिया कि आपके 2 से या 3 दिन के अंदर आपका परिणाम, मतलब UPBRP पे जो पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे और क्या क्या लिखा है, तो यहाँ पे DBPST और दौड़ नवंबर और दिसंबर माह पूरी करवा ली जाएगी। मतलब कि जो आपका DB और PST होगी और जो दौड़ होगी फ्रेंड, वो लगभग नवंबर से स्टार्ट हो गए दिसंबर तक मतलब कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि इसी साल में फ्रेंड आपकी दौड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि अगले सप्ताह में अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, मतलब कि जनवरी के मतलब पहले सप्ताह में, मतलब कि जनवरी के 7 तारीख तक या 8 तारीख तक आपका जो परिणाम वो पूरा घोषित किया जाएगा, कितने कैंडिडेट सफल हुए हैं, कितने कैंडिडेट नहीं सफल हुए हैं DBPST और दौड़ में। तो यहाँ फ्रेंड एक और न्यूज़ बन के आ रही है कि जेल वार्डर की अभी तक फ्रेंड आपकी परीक्षा नहीं हुई। तो जेल वार्डर और फायरमैन घुड़सवार के पुलिस के 5805 पदों सीधी भर्ती प्रक्रिया कराने के कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया, मतलब कि जो संस्था आपकी मतलब कि जेल वार्डर की परीक्षा करवाएगी उसका चयन भी यहाँ फ्रेंड कर लिया गया है। तो अब जल्द परीक्षा कराई जाएगी, साथ ही 3000 उप निरीक्षकों के लिए, मतलब कि सब इंस्पेक्टर मतलब SI के लिए भी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो फ्रेंड ये पूरा जो डीजीपी होता है, मतलब उत्तर प्रदेश के जो DGP हैं, वहाँ से प्रेस विज्ञापित होकर आया है कि आपका रिजल्ट जो है इसी हफ्ते 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अपलोड करवा दिया जाएगा। और इसी मतलब कि आपकी DBPST और दौड़, मतलब कि फ्रेंड DBPST और दौड़ आपकी फ्रेंड इसी मतलब कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक पूरी आपकी DBPST और दौड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाए। मैं आप लोगों से जितनी हो सकते फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बहुत दिनों से फ्रेंड इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड फाइनली है, ये फाइनली वीडियो है। इसके बाद फ्रेंड आपकी वीडियो डायरेक्ट आएगी, आपका रिजल्ट आ गया है। इस वीडियो मतलब अगली वीडियो में बताऊंगा आपका रिजल्ट आ गया। तो अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पल पल अपडेट यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराता हूँ। फ्रेंड वीडियो के अभी तक करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।